नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कोरोना वैक्सीन बना रही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे स्थित प्लांट में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग की वजह से हुई मौतों से बेहद दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एमडी ने आग की घटना पर दुख जताया और कहा, आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अत्यंत दुखद दिन है। हमें बेहद दुख हुआ है और दिवंगत लोगों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। मानदंडों के अनुसार अनिवार्य राशि के अलावा प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 21 से 23 जनवरी तक ठंड का असर देखा जाएगा। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। पारा शिक्षकों को जल्द मिल सकता है तोहफा। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को सरकार जल्द ही वेतनमान और सेवा स्थायीकरण का तोहफा दे सकती है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के मामले पर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को पूरा प्रस्ताव भेजने को कहा है। यह बैठक सोमवार को ही होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब 1-2 दिनों में या फिर अगले सप्ताह इस पर बैठक होगी और निर्णय भी लिया जा सकता है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट के आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के आवेदन करने की तारीख बढ़ गई है। बता दें, छात्र छात्रा अब बिना विलंब शुल्क के 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी से 18 फरवरी तक आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। बता दें, जैक ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने गुरुवार की देर शाम इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। कोडरमा में चाल धंसने से आधा दर्जन लोग दबे। कोडरमा जिला मुख्यालय से सटे फुलवरिया के जंगल में चाल धंसने से आधा दर्जन से अधिक लोग दब गए। बता दें, इनमें से 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसा गुरुवार की शाम को हुआ। हालांकि अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है। गोड्डा वासियों को नए साल में रेल की नई सौगात। झारखंड के गोड्डा वासियों का आज़ादी के 70 के बाद रेल की सिटी सुनने का सपना गुरुवार को साकार हो गया। बता दें, 21 जनवरी 2021 को गोड्डा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। पिछले कई वर्षों के विवादों, झंझटों और जूझते हुए के साथ गुरुवार को दोपहर में पहली बार WDG 12790 नंबर की इंजन लगी मालगाड़ी गाड़ी बुला रही, सिटी बजा रही के गीतों की सिटी बजाते हुए ट्रायल के लिए गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित रामनगर स्टेशन पहुंची। 10 से 21 मार्च तक सिमडेगा में होगी 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप। हॉकी इंडिया की ओर से आयोजित एवं हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा एवं जिला प्रशासन सिमडेगा के द्वारा 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन इस बार झारखंड के सिमडेगा जिला में पहली बार होना तय हुआ है। बता दें, यह प्रतियोगिता आगामी 10 मार्च से 21 मार्च 2021 तक हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में होगी। इस प्रतियोगिता में समस्त देश से कुल 30 टीमों के 600 से अधिक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर एवं ऑफिशियल स्टाफ चयनकर्ता शामिल लेंगे। बता दें, झारखंड का सिमडेगा जिला हॉकी की पौधशाला कही जाती है। यहां से 1-2 नहीं बल्कि 4 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हुए हैं। 6,000 सरकारी पदों पर जल्द निकलेगा विज्ञापन। झारखंड सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। बता दें, इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6,000 के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड में 67 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है जो रांची से 35, बोकारो 5, चतरा 2, धनबाद 2, दुमका 1, पूर्वी सिंहभूम 5, गढ़वा 1, गोड्डा 1, गुमला 2, हजारीबाग 1, कोडरमा 1, लातेहार 2, पलामू 4, रामगढ़ 1, साहिबगंज 1, सिमडेगा 1, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज मिले हैं।
झारखंड में कुल मौत की संख्या 1058 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 1032 है। भारत में 13692 नए मरीज मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 153053 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 186558 है। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार को नए भवन में हुई। बता दें बैठक की अध्यक्षता रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने किया। इस दौरान बैठक में काफी हंगामा भी हुआ। बैठक में आशा लकड़ा और वार्ड पार्षदों के बीच कई बार बहस भी हुआ। बता दें काफी मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि सिटी बसों और गाड़ियों का पार्किंग रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। जब तक शहर में बसों का संचालन सामान्य नहीं होता तब तक रेट नहीं बढ़ेगा। कोडरमा के लाल एनसीसी कैडेट प्रशांत तिवारी को रक्षा मंत्री पदक। 45 झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर अफसर प्रशांत तिवारी को नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक से नवाजा। प्रशांत को ये पदक उसके द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की वजह से दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना काल में जब जिला प्रशासन ने एनसीसी से प्रवासी लोगों को संभालने के लिए मदद मांगी थी तब बटालियन की तरफ से एनसीसी के एक्सरसाइज योगदान के तहत पूरे जिले में 3000 पर करीब 80 कैडेट तथा 3 अफसर को यह कार्य सौंपा गया था। टीकाकरण में पलामू राज्य में पहला स्थान पर। कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है लेकिन अब टीका आने के बाद कोरोना से अंतिम जंग लड़ रहे हैं। बता दें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण के मामले में पलामू राज्य भर में पहले स्थान पर है। बता दें इस स्थान को बरकरार रखने के लिए सामूहिक सहयोग की जरूरत है। उक्त बातें पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन ऑफ कैनेडी ने कही। वे गुरुवार को मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित अधीक्षक कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पलामू में अब तक 83% स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले फेज में कोविड-19 का टीकाकरण करवाया। वहीं दूसरे स्थान पर बोकारो व तीसरे स्थान पर गिरिडीह जिला है। मानव तस्कर से मुक्त हुई झारखंड की 7 बेटियां। दिल्ली में मानव तस्करी के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बता दें झारखंड की 7 लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसमें 6 लड़कियां गुमला और 1 लड़की सिमडेगा जिला की है। बता दें सभी लड़कियों की उम्र 13 से 16 साल है जबकि रेस्क्यू टीम की मदद से दिल्ली के निहाल विहार थाना की पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। अविलंब करें लातेहार के स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था। लातेहार जिले में 1057 विद्यालय में 3 में शौचालय नहीं है, वहीं 7 में पेयजल की सुविधा नहीं है और 71 विद्यालय में बिजली नहीं है। इस जानकारी पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय बनाते हुए अविलंब बिजली पानी एवं शौचालय सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया है। बता दें उपायुक्त अबू इमरान गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संचालित योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाने की बात कही। निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं हो, बच्चों का भविष्य शिक्षकों के जिम्मे है। खूंटी में रेस वायर पेन कल्चर से मछली पालन। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने गुरुवार को मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय में RPC यानी रेस वायर पेन कल्चर का शिलान्यास किया। बता दें कारा प्रखंड के डूमरगढ़ी गाँव में JSLPS द्वारा संचालित जोहार परियोजना के तहत इस RPC में 3 लाख मत्स्य बीज का संचयन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने जारी किया पत्र। 32,753 सदस्य होंगे प्रशिक्षित। राज्य के प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक की विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। समग्र शिक्षा अभियान 2020-21 के बजट में इसके लिए 10.63 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के 32,753 प्राथमिक व मध्य विद्यालय तथा 2694 उच्च विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेडिकल छात्रा पूजा भारती। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की हत्या की गुत्थी पुलिस अभी तक नहीं सुलझा सकी है। घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक जांच का नतीजा सुन ही रहा है। पुलिस CCTV फुटेज में दिख रहे एक वैन व छात्रा की गायब एंड्रॉयड फोन ढूंढ रही है। JPSC AE एग्जाम रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से होने वाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें आयोग ने गुरुवार को ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में यह निर्णय लेते हुए इस संबंध में शाम में सूचना जारी की है।
बता दें शुक्रवार से शुरू होने वाली यह परीक्षा दो पालियों में 24 जनवरी तक होनी थी। बीएड में दाखिला के लिए मेरिट लिस्ट जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में दाखिले के लिए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। बता दें इस बार राज्य मेधा सूची में पहले तीन स्थान पर छात्राएं हैं। एकेडमिक अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची में पहले स्थान पर पल्लवी कुमारी, दूसरे स्थान पर सावित्री, वहीं तीसरे स्थान पर अनुप्रिया रही है। बता दें झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है। मंत्री जगन्नाथ महतो स्वस्थ, सीएम हेमंत लेने जाएंगे चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। बता दें वे शीघ्र झारखंड लौटेंगे। गुरुवार को लंग ट्रांसप्लांट के बाद वे पहली बार मीडिया से ऑनलाइन रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही अपनी धरती पर वापस लौटकर जनता की सेवा करेंगे। बता दें डिस्चार्ज किए जाने के बाद वे शीघ्र झारखंड लौटेंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उन्हें लेने चेन्नई जाएंगे। झारखंड में नहीं बनेगा अस्पतालों के नए भवन। मुख्यमंत्री, झारखंड में फिलहाल अस्पतालों के नए भवन नहीं बनेंगे। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल कोई भवन स्वीकृति नहीं करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। पूर्व में बनकर तैयार लगभग 600 भवनों के चालू नहीं हो पाने तथा उसके बेकार पड़े रहने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। बता दें अब नए अस्पताल भवनों का निर्माण विशिष्ट उपयोगिता के आधार पर ही होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री से विशेष अनुमति लेनी होगी। सरना कोड की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात। केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग को लेकर संयुक्त आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समीप धरना दिया। बता दें इन संगठनों में केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सेगेल अभियान शामिल है। बता दें धरने के बाद प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने बताया कि मुलाकात के क्रम में राज्यपाल से सरना धर्म कोड को लेकर वार्ता हुई। झारखंड में तेज होगा टीकाकरण। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सूबे में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें गुरुवार देर शाम केंद्र सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ा सकती है। इसके बाद राज्य में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को निर्णय लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस में आगंतुकों की अधिकतम सीमा तय। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। बता दें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रांची के समारोह में अधिकतम 3,000 और दुमका में 2,000 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। पहले आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें रांची और दुमका के अलावा अन्य सभी जिलों में अधिकतम 500 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल करने की अनुमति दी गई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।